Hello, bachcho. Good morning. In our last video, we wrote the theory of chapter 1, what is long and what is round in CW book. Okay, I hope ki wo aapne do teen bar acche se read kar liya hoga, so you can understand it properly. Okay, today we are going to draw. Okay, we are going to draw some shapes in our CW book. So let's start. Take your CW book, pencil, eraser, scale, okay, and let's start today's work. Theory humne last video mein I told you to write in your CW book, okay. Things which have flat surface can slide. Jo bhi things jiska surface flat hota hai wo slide hoti hai. Flat things have edges. Jo bhi फ्लैट थिंग्स होती है उसके एजेस होते हैं. एजेस यानी अगर हम सीधी भाषा में उसको बोले तो उसको धार बोलते हैं, यानी साइड. एजेस यानी साइड, तो फ्लैट चीज़ों की साइड्स होती हैं. ओके, और फिर मैंने एग्जांपल्स लिखवाए थे आपको. सेकंड पॉइंट आपने लिखा था कि थिंग्स विच हैव राउंड सरफेस कैन रोल. जो भी राउंड सरफेस होता है वो रोल होता है. और राउंड थिंग्स हैव नो एजेस. जो भी राउंड थिंग्स होती है उसकी साइड्स होती नहीं है, उसके एजेस नहीं होते हैं. फिर उसके एग्जांपल्स हमने लिखे हैं. देन थर्ड पॉइंट यू रॉट थिंग्स विच बोथ रोल एंड स्लाइड. जो बोथ होती है, रोल भी होती है और स्लाइड भी होती है. फिर उसके भी एग्जांपल्स हमने लिखे हैं. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू ड्रॉ सम शेप्स इन अवर सी डब्ल्यू बुक. सो यू विल राइट टुडेज डेट. Eleven / 7. Okay, then you will write the heading of today's work, shapes. Now draw me. Okay, आपको draw करना है. जैसे कि first है square. तो as you know कि square जो shape होता है, square shape में four sides होती हैं. Okay, 1, 2, 3, 4. But ये four sides जो हैं दे आर इक्वल, वो साइज में भी इक्वल होती है, उसी को स्क्वायर बोलते हैं. जिसकी चारों साइड्स सेम साइज की होती है दैट इज़ कॉल्ड स्क्वायर शेप. जैसे देख सकते हो कि यहाँ पर 3-3 बॉक्सेस हमने मेजर करने के लिए लिए हैं, तो सभी चारों साइड में 3-3 बॉक्सेस हैं. सो यू विल राइट हियर फोर इक्वल साइड्स या तो एजेस. और इसके फोर वर्टिसेस होते हैं. वर्टिसेस यानी कॉर्नर्स. ओके, सिंपल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं हम कॉर्नर्स, बट वर्टिसेस कहते हैं इसको. ओके, इस देखो यहाँ पर है फोर वर्टिसेस. ओके, फोर कॉर्नर्स. नाउ रेक्टेंगल. सो रेक्टेंगल हैज़ ऑल्सो फोर साइड्स. ओके, उसके भी फोर साइड्स होते हैं एंड फोर वर्टिसेस होते हैं. बट इन रेक्टेंगल टू ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. दो दो ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो सेम साइज की होती है, मेजरमेंट सेम होता है. जैसे इसमें चारों साइड्स सेम मेजरमेंट की होती हैं, वैसे इसमें टू ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. जैसे ये वाली और ये वाली, देखो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, दोनों में फोर फोर बॉक्सेस है सामने सामने. यहाँ पर ये दोनों साइड सेम है, जैसे 1, 2, 3. सो 1, 2, 3 अगर आप मेजर करोगे रेक्टेंगल तो उसकी ऑपोजिट साइड्स जो है वो सेम मेजरमेंट में आएगी. ओके, तो जो भी चीज़ की दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है दैट इज़ कॉल्ड रेक्टेंगल. और जो भी ऑब्जेक्ट की, जो भी शेप की चारों साइड्स, फोर साइड्स आर इक्वल, सो दैट इज़ कॉल्ड स्क्वायर. ओके, नाउ यू विल ड्रॉ ट्राइंगल. ओके, ट्राइंगल में पहले आप नेम लिखोगे, देन यू विल ड्रॉ ट्राइंगल शेप. ओके, ट्राइंगल शेप्स आपने देखा होगा, पिज़्ज़ा का पीस होता है वो ट्राइंगल होता है, फिर समोसा ट्राइंगल शेप का होता है. ट्राइंगल में थ्री साइड्स होती हैं, 1, 2 and 3, एंड इट हैज़ थ्री वर्टिसेस. ओके, थ्री वर्टिसेस होते हैं. फिर पेंटागन.
पेंटागन में फाइव साइड्स एंड फाइव वर्टिसेस होते हैं. देखो 1, 2, 3, 4 and 5 एंड यू कैन काउंट वर्टिसेस 1, 2, 3, 4 and 5. सो दिस इज पेंटागन. नाउ हेक्सागन. हेक्सागन में 6 sides and 6 vertices होते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओके लास्ट शेप दैट इज सर्कल शेप. सर्कल शेप में एज यू नो कि उसके साइड्स भी नहीं होती हैं और उसको कॉर्नर्स भी नहीं होते हैं. सो नो साइड्स नो कॉर्नर्स इन सर्कल शेप. ओके सो यू विल ड्रॉ दिस 6 shapes इन योर CW बुक. वंस अगेन आई एम रिवाइजिंग यू. यू विल ड्रॉ फर्स्ट स्क्वायर एंड देन यू विल राइट 4 equal sides या तो एजेस एंड 4 vertices और कॉर्नर्स. देन यू विल ड्रॉ रेक्टेंगल. इन रेक्टेंगल शेप 2 opposite sides आर इक्वल. सो यू विल राइट 4 sides एजेस 4 vertices एंड 2 opposite sides आर इक्वल. Then you will write, then you will draw triangle and write 3 sides, edges and 3 vertices. Then the shape is pentagon. So you will draw pentagon like this, okay? And you will write 5 sides, edges and 5 vertices. Then hexagon. So in hexagon shape, there are 6 sides, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 6 vertices, okay? So you will draw like this. Okay, now the shape is circle. No sides, no edges, no vertices. Okay, you will draw 6 shapes in your CW book. Okay, chalo. In our next video, we will meet with something new. Chalo, till then, tata, bye bye. Stay safe, stay home.